हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम फिर से माधुरी कादंबिनी जो ग्रंथ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रचित ये ग्रंथ है, इसका हम थर्ड शावर डिस्कस करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। वैसे तो मेरी कोई ऐसी पात्रता नहीं है इस ग्रंथ के बारे में कुछ भी कहने की, लेकिन आपकी जिज्ञासा थी तो जो थोड़ा बहुत जो आचार्यों से या वैष्णव से सुना उसको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरव्यू ये बुक की क्या है या इस बुक में क्या बताया गया, थोड़ा बहुत जानने से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको डीपली और समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये जो मेरा प्रयास है वो आप लोगों को पसंद आएगा, कि आप लोग भी इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे और अपने जो साधना है उसमें आप इम्प्रूव करेंगे। तो जो फर्स्ट टू शावर है वो कंप्लीट किया था हमने, ओवरव्यू दिया था, उसमें तृतीय शावर जो है, तृतीय वृष्टि, अमृत वृष्टि, तो जितना चकुर ठाकुर इसमें चार प्रकार के अनर्थ और उनका विवरण बताते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि अभी हम निष्ठा स्तर पर भक्ति की बात कर रहे थे, तो निष्ठा स्तर पर दो तरह की भक्ति होती है, अनिश्चितता और निष्ठिता। तो अनिश्चितता भक्ति के बाद अनर्थ कैसे आ गए, इसका मतलब निश्चितता भक्ति आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे पहले ये होता है कि जब हम अनिश्चितता भक्ति कर रहे होते हैं तो उस स्टेज में जब हम उससे बाहर निकलते हैं, उत्साहमयी घन तरल इस भजन क्रिया को जब हम चेक करते हैं तो अनर्थ जो है वो सबसे पहले आते हैं। तो अनर्थ के कारण जो है बहुत सी जो बाधाएं हैं ये अभद्र है हमारे हृदय में या भजन क्रिया में आते हैं। इसलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पे अनर्थों का वर्णन किया है कि इन अनर्थों को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है कि अनर्थ का मतलब क्या होता है, कि जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अनर्थ कहते हैं। यानी अनर्थ मतलब अर्थ का, वास्तविक अर्थ का क्या होता है कि जो परमार्थ वस्तु से संबंधित ना हो उन बातों को अनर्थ कहते हैं। ठीक है ना, कि परमार्थ वस्तु यानी भगवान कृष्ण उनकी प्रेममयी सेवा उससे अगर छोड़कर, कृष्ण भक्ति की कामना को छोड़कर जो भी कामना होती है उन सभी को अनर्थ कहते हैं। और भोग की कामना में जो होती है, जिस समस्त अनर्थों का मूल है, यही यहाँ तक कि मुक्ति की कामना भी अनर्थ है। जीव कृष्ण दास है, इसलिए श्री कृष्ण और उनके प्रेम में ही सेवा यथार्थ अर्थ है, इसकी विपरीत जो होता है वो परमार्थ नहीं है। अतः जो परमार्थ का बाधक है वही अनर्थ है। तो सीधी सी डेफिनेशन है कि जो भगवान से रिलेटेड नहीं है और भोग में है, काम वासना में है, उन अर्थों को कहते हैं अनर्थ। तो अनर्थ जो है ये भी भक्ति में बहुत बाधा डालते हैं। तो ज्ञान होने पर हम प्रे कर सकते हैं भगवान से, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन कर सकते हैं कि हमारे वो अनर्थ धीरे धीरे निकल जाए। तो पहले इन जानने की कोशिश करते हैं कि अनर्थ क्या है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने चार प्रकार के अनर्थ बताए हैं। पहला है दुष्ट कृतोथ, दूसरा है सुकृतोथ, तीसरा अपराध घूत और चौथा है भक्त युद्ध। ठीक है, अगेन आई कैन रिपीट, फर्स्ट है दुष्ट कृतोथ्य, सेकेंड इज सुकृतोथ्य, थर्ड इज अपराध बोध एंड फोर्थ इज भक्त उथ्य। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि अनादि बद्ध जीव जो है भोग वासना के कारण क्या है, अनर्थों से जकड़ा हुआ, क्योंकि अनर्थों की जड़ ही है भोग वासना। तो पहला है दुष्ट कृतोथ्य, तो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल से दुख जनक विषय में अभिनिवेश होना है ना, द्वेष होना, राग होना, अविद्या और अस्मिता, ये पांच प्रकार के कलेश हैं, इनका जो वर्णन किया गया है ना द्वितीय दृष्टि में। ऐसे दुष्कृतों के होने पर अनर्थ दुष्ट कर्मों के वजह से उत्पन्न अनर्थ, पाप कर्मों से उत्पन्न अनर्थ है ना, दुष्कृतोथ्य, तो ये भी अनर्थ होता है ना। इस अनर्थ के कारण भी बाधाएं आती हैं। जैसे बता रहे हैं कि इसका सारांश है कि अनादि अविद्याग्रस्त कृष्ण बहिर्मुख जीवों की दुर्वासना के फल से
देही दैहिक आदि मैं और मेरा अभिमान जड़ी भोग वस्तुओं के प्रति राग प्रीति से ताप आदि दुखों के प्रति द्वेष इसके फलस्वरूप देह देहा देह दैहिक आदि वस्तु में प्रचंड अभिनिवेश करता है और प्रबल संस्कार होता है जीव में जो कि हृदय में वासनाएं होती है इसे बंद हो जाता है। ठीक है, तो भजन के समय यही संस्कार श्रवण कृष्ण कीर्तन में बाधक होते हैं। इसको दुष्ट कृतोजात अनर्थ कहते हैं, मतलब अनायास ही मन नहीं लगना, कीर्तन में नहीं मन मिलना, भजन में। तो ये क्या होते हैं? हमारे पूर्व जन्म में किए गए अपराध उसके फलस्वरूप होते हैं। द्वेष के कारण, मान लो किसी के प्रति बहुत नफरत हो रही है, किसी ने कुछ गलत किया उसके प्रति नफरत हो गई, तब भी ये अनर्थ आएंगे। फिर राग, बहुत ज्यादा किसी के प्रति आसक्ति है तब भी ये अनर्थ आते हैं। अविद्या के कारण आते हैं, अस्मिता के कारण आते हैं। तो ये जो है ये दुख के गुण, ठीक है, तो ये भक्ति में बाधा। जैसे अभी अनर्थ के कारण हमने प्रेयर भी नहीं किया, तो ज्ञान से मेरा अंधस्य ज्ञानांजन शिला गया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप प्रदामयं ददासि स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज की नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधुरी कादम्बनी की जय, विष्णु ठाकुर की जय, शिवारी की जय, सभी गौर भक्त वृंद की जय, बताई गौर ब्रह्मानंदे हरे। तो आज जो है तृतीय वृष्टि में सबसे पहले विष्णु चकोर ठाकुर ने चार प्रकार के अनर्थों का वर्णन किया है। इसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये जो अनिश्चितता के स्तर पर जो भक्ति का वर्णन हुआ था अवरोध का, उत्तामय घन तरंग व्यूढ़ विकल्प विषय संगारा है ना, तरंग रंगनी नियम क्षमा, ये सब जो हमने पढ़े, ये जो बाधाएं है इसके बाद अनर्थास भी होते हैं जो कि भक्ति में प्रॉब्लम करते हैं। तो हमने देखा अनर्था चार प्रकार के होते हैं, दुष्ट कृतोस्य, सुकृतोस्य, अपराध बोध्य एंड भक्त उस्य। तो दुष्ट कृतोस्य हमने पढ़ा पहला कि पूर्व जन्म के कारण हुए होते हैं या कलेशों के कारण अपराध उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे श्रवण कीर्तन में बाधा डालते हैं। ठीक है, मन नहीं लगता, हम सुनते नहीं है, हम करना है उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये तो दूसरा जो अनर्थ सामने आता है वो क्या आता है? सुकृतोत्थ है ना। तो सुकृतोत्थ का मतलब कहते हैं अभी तो हुआ कि पिछले जन्म में हमने जो पाप किए हैं वो रिजल्ट, अभी पिछले जन्म में जो हमने पुण्य किए हैं, सकाम कर्म किए, तो उसके रिजल्ट के कारण भी अपराध अनर्थ होते हैं। तो हम कहेंगे अरे अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उससे तो समझ में आता है ना, हमने मीटिंग की है, हमने किसी का मर्डर किया है, हमने चीटिंग की है ना, हमने कुछ अल्कोहल लिया, जो भी जितने भी अनर्थ पाप कर्म है वो किए हैं, तो उससे तो समझ में आता है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस सहन कर रहे हैं। लेकिन पूर्व जन्म में जो हम सत्कर्म करते हैं है ना, अच्छे कार्य करते हैं, ये सकाम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, ये भी अनर्थ उत्पन्न करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पूर्व जन्म में किए गए सत्कर्म या सकाम पुण्य कर्म के फल अनित्य स्वर्ग आदि लोगों को भूख भूखने की कामनाएं होती हैं, इसे सुकृतोत्थ अनर्थ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको स्वर्ग जाने की इच्छा होगी तो भगवत धाम जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर आपको अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा होगी तो भगवत धाम जाएंगे? नहीं ना, समझ रहे, ये सिर्फ बाधाएं हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, आपको याद है ईशो उपनिषद में पढ़ा था हमने कि अगर दया जो है भगवान की भक्ति के उन्मुख में जीव को भगवान कृष्ण से नहीं जोड़ता है तो उसका विस्तृत स्वार्थ है ना।
एक्सपेंडेड इज्म, एक्सटेंडेड इज्म बोलना है, एक्सटेंडेड इज्म बोलना है, समाजवाद नहीं, एक्सटेंड इज्म नहीं था वो वर्ड, ये श्री प्रभुपाद ने स्वार्थ, स्वार्थ क्या बोलते हैं, प्रभुपाद ने कुछ वर्ड दिया था मुझे वहां पे याद नहीं, ईशोपनिषद में श्री प्रभु एक्सटेंडेड, चलो जो भी था, मतलब स्वार्थ है, विस्तीर्ण स्वार्थ, स्वार्थ है, स्वार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, भूल गए, सेल्फिशनेस बोलते हैं ना स्वार्थ, आई थिंक सेल्फिशनेस ही तो आएगा, मैं भी सोची थी सेल्फिशनेस, तो शायद मेरे ख्याल से एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस वर्ड यूज किया शायद श्री प्रभुपाद, जहां तक मुझे याद है, मैं वो चेक करता हूं, विस्तीर्ण स्वार्थ, तो हम किसी का अगर हेल्प करते हैं तो एक्चुअली में वो अपना ही ईगो सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि मेरा भारत है इसलिए महान होना चाहिए, मेरा गुरु है इसलिए महान होना चाहिए, ये मेरा बेटा मेरी बेटी है इसलिए महान होना चाहिए, ना ये मेरा घर है इसलिए अच्छा होना चाहिए, मैंने कुकिंग की है इसलिए अच्छा होना चाहिए, ये मेरे द्वारा किया गया सेवा है इसलिए अच्छा होना चाहिए, मैंने ये कीर्तन गाया, मैंने ये क्लास दिया इसलिए अच्छा होना चाहिए, मैंने ये ड्रेसिंग की, मैंने ये भोग बनाया इसलिए अच्छा होना चाहिए, बट द पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं भी मैंने इसकी लड़की की, गरीब लड़का है, बच्चे है, इसकी शादी या पढ़ाई का खर्चा उठाया, तो इसमें हम क्या सोच रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, जबकि भगवद गीता में बताया गया 18 चैप्टर में कि एक किसी भी कार्य करने के लिए 5 कारण होते हैं, है ना, कोई भी कर्म अगर होता है सिर्फ 5 कारण होते हैं, और उसमें जो परमात्मा जो है वो मेन कारण होता है ना, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ही एकमात्र रीजन है इसलिए ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि साधक भक्त के भजन के समय पूर्व जन्म में इस संसार पर दुख की कामना हृदय में उत्पन्न होती है, उनके सुकृत जात अनर्थ कहते हैं, मुक्ति कामना भी एक अनर्थ के रूप में होती है, भुक्ति और मुक्ति सुख की कामना हृदय में रहने से भजन रस का आस्वादन कदापि संभव नहीं, इसलिए भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते ताद भक्ति सुख सयात कथ अभ्युदय भवेत, मुक्तिसामे सिंधु में बोला था यही ना कि अर्थात भुक्ति और मुक्ति की काम वासना पिशाची जब तक हृदय में विद्यमान रहती तब तक भक्ति का सुख उत्पन्न नहीं होता, इसलिए पतंजलि आदि ऋषि ने इस सुप्ति जात अनर्थ को अविद्या अस्मिता आदि 5 प्रकार के क्लेशों के अंतर्गत ही माना है, लेकिन जो कृष्णा चक्र ठाकुर है उनको सेपरेट किया है, ठीक है, तो एक अनर्थ जो है वो दुष्कृति से उत्पन्न होता है और एक अनर्थ जो होता है वो सुकृति से उत्पन्न होता है, जब अच्छे कार्य करते समय अच्छी पोजिशन मिलेगी ना, तो अच्छी जगह जाने की भी हमारी अभिलाषा रहेगी, स्वर्ग जाने की, मुक्ति पाने की, है ना, सिद्धियां प्राप्त करने की, तो हम भक्ति नहीं प्राप्त कर पाए, ये बाधा है। थर्ड है हमारा अपराधों से अनर्थ, यानी अपराधों के कारण जो अनर्थ होता है, है ना, किंतु भक्ति शास्त्र पाप और अपराध में बहुत बड़ा भेद बताया गया, हमने एक क्लास में डिस्कस किया था कि भजन के समय अभ्यास मात्र से ही जलती हुई आग में रुई का ढेर की भांति पाप राशि ध्वस्त हो जाती है जब हम निरअपराध भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, ठीक है, तो पाप और अपराध में अंतर, तो पाप किसे कहते हैं और अपराध किसे, तो पाप जो होता है मैंने आपको बताया था कि जब इस देह के अनात्म अभिमान एवं अनात्म वस्तु के भोग के लिए जब वासना होती है तो उसमें अनात्म वस्तु के संबंध में यानी तन में मन में वचन के द्वारा असत कर्म होता है वही पाप है। तो क्या समझा रहे हैं कि जब हम देह के अनात्म अभिमान यानी फॉल्स ईगो के कारण हम क्या करते हैं जो जितने भी डेड मैटर्स हैं जैसे बॉडी मेटीरियल थिंग्स इनको भोगने की वासना है तो भोगने की वासना रहती है तो क्या करते हैं हम इनको प्राप्त करने के लिए हम असत्कर्म करते हैं है ना जैसे हमारा देह सुखी रहे तो हम किसी का मर्डर भी कर देते हैं है ना
हम अपने अपने अपना अपना जो पैसा बनाने के लिए हम किसी का शोषण भी कर देते हैं, है ना, ऐसे ही उसके कारण वो पाप होता है, समझ गया। तो पाप जो होता है वो फॉल्स ईगो के कारण होता है, और जड़ में जड़ पदार्थों को भोगने की बात मारे तो इसके कारण व्यक्ति जो है असत्कर्म करता है ना। तो जैसे मी चीटिंग इसी का एक है, टेस्ट के लिए। हाँ, किसी के संपत्ति को जला लेना, हड़प लेना, किसी की स्त्री को खा लेना, पढ़ना है ना आपने, सब चीजें जैसे पाप होते हैं। तो इस तरह से जो जो पाप होते हैं, जैसे कि हत्या, चोरी, परनारी गमन, व्यर्थ बकवाद, कठोर भाषण, दुष्टाचरण, दूसरों को धन आदि हड़प लेना, दूसरों को दुख देना, दूसरों की बुराई करना, शराब पीना, मांस खाना, अभक्ष भक्षण, है ना, पर पुरुष पुरुष गमन, पर पुरुष स्त्री गमन, है ना, जुआ खेलना, ये सब क्या है, पाप। तो शास्त्र में जो है, स्मृति शास्त्र में जो पाप के प्रकार भी, 9 प्रकार बताए गए, अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, संकीग्रण, संकरीगण, पात्रीकरण, जाति भ्रमशकर, मलावह और प्रक्रे। तो इस तरह से पाप का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और जो ये पाप होते हैं, ये जो है हमारे आत्मा को अनावृत नहीं करते, ये देह को आवृत करते। तो जब आपने पाप किया होगा तो दुष्कृतो अनर्थ डेवलप होगा, है ना, तो कीर्तन में, श्रवण में आप नहीं जा पाएंगे, तीर्थ स्थल में जाके आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पाप को भी कम नहीं समझना चाहिए, पाप के कारण हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ कम है अपराध से तो हम पाप कर सकते, लेकिन डेंजरस अपराध होता है, ज्यादा डेंजरस, है ना। तो अपराध का मतलब क्या है, तो यहाँ भी बताया गया कि चैतन्य चरितामृत में भी बताया है, आदि गीता में 8:26 से 30 तक बताया गया है कि ए कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमी कारण भक्ति करे न प्रकाश। कितना भी पाप हो, है ना, लेकिन जब भगवान की तीव्र भक्ति कोई करता है, परंपरा से भक्ति करता है, तो उसके सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। हमने पहले भी आपको डिस्कस करके बताया था, हमने कूट बीज और प्रारब्ध और प्रारब्ध डिस्कस कर रहे थे, कैसे जो भक्ति जो है, जो कि हम परंपरा से भक्ति करते हैं कृष्ण भक्ति, तो कैसे ये वर्क करती है हमारे कूट बीज प्रारब्ध और प्रारब्ध सारे चीजों का, है ना। पहले अप्रारब्ध नष्ट होता है ना, फिर प्रारब्ध जो है उसमें कुछ मिल भी रहा होता है, वो थोड़े समय तक मिलकर फिर खत्म हो जाता है। भक्ति जो है समूल नाश कर, क्योंकि भक्ति जो है पाप की प्रवृत्ति खत्म कर देती है, लेकिन बाकी साधन जो है, कर्म है, ज्ञान है, योग है, ये पाप करने की प्रवृत्ति नहीं खत्म करती, है ना, थोड़े समय के लिए स्टॉप कर देगी। जैसे आप योग करेंगे तो क्या करेंगे आप, मतलब नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, अपना को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, है ना। तो लेकिन इच्छा तो बनी हुई है ना, जैसे श्री प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक, उसको पता चल गया कि जो स्वीट चीजें हैं वो खाने से जान भी जान सकती है, वो हो सकता है बाहर से वो जितनी स्वीट चीजें हैं वो ना ले, लेकिन उसकी स्वीट खाने की इच्छा तो है ना, है ना, तो कितने दिन तक कोई कंट्रोल करेगा, है ना। तो जैसे आंखें आप हैं तो कितने दिन तक अपन कर सकते हैं, है ना, कभी मान लीजिए खुलेगा, और किसी की आदत तो सीखी नहीं कि कंट्रोल कैसे करना है, देखना कैसे, परसेप्शन कैसे करना है, तो क्या होगा। जैसे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस में सबको बताया जा रहा है कि आप मीटिंग मत कीजिए, बाहर का मत खाइए, अल्कोहल मत लीजिए, नीटनेस मेंटेन कीजिए, हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए, घर का खाना खाइए, है ना, शाकाहारी खाना खाइए, नहीं बता रहे, देखिए खुला बता रहे हैं, फिर भी सब खा रहे, हाँ, लेकिन आप देखिए पालन नहीं कर रहे, है ना, पालन नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, इसीलिए केस ज्यादा पड़ रहा है ना। लोग मना करे कि आप गैदरिंग मत कीजिए, है ना, आप घर बाहर मत, लेकिन क्या हो रहा है, अनात्म वस्तु में भोग की वासना होने के कारण हम असत्कर्म करते, ठीक है ना, समझ गया।
तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपराध जो होते हैं माता जी, ये थोड़े से सूक्ष्म होते हैं, है ना? तो अपराध जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, और इस अपराध की जो डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि जब भक्त भगवान हरि नाम श्री धाम यानी भगवान और उनकी सभी अतीतों के प्राकृतिक बुद्धि द्वारा अवज्ञा करते हैं और अनावरण, जब हम भगवान और उनसे संबंधित जो भी चीजें तदीय है ना, चाहे भक्त हो हरि नाम हो हरि धाम हो, उनको प्राकृतिक समझते हैं साधारण, तो क्या करते हैं उनकी अवज्ञा करते हैं या उनको वो सही आदर नहीं देते, तो क्या होता है अपराध, गुरु को सामान्य मानने लगते हैं, है ना? तो क्या करते हैं अवज्ञा कर देते हैं, है ना? अरे ठीक है गुरु वाले बोला महाराज तो इतना बोलते हैं, इतनी सेवा दे देते हैं, सोचते नहीं कि हम लोग कैसे करेंगे, है ना? महाराज को क्या करना है, महाराज ने तो सब छोड़ दिया, ऐसे भी थिंकिंग क्यों आ रही है? गुरु को पोजिशन ठीक नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, उनको साधारण समझना, साधारण समझ रहे भक्तों को, साधारण समझ रहे धाम को, नॉर्मल समझ रहे हैं, है ना? धाम को नॉर्मल समझ, तो जब हम जो भगवान जुड़ हैं और भगवान से संबंधित चीजें इनमें प्राकृतिक बुद्धि करते हैं और उनमें अवज्ञा करते हैं, तो वो बुरे कर्म ही अपराध कहलाते हैं। इसलिए अनात्म वस्तु संबंधी निंदनी कर्म ही पाप है और आत्म वस्तु संबंधी निंदनी कर्म अपराध। अनात्म वस्तु यानी जड़ के साथ जब ऐसा होता है तो वो पाप कहलाता है, लेकिन जब हम आत्म वस्तु को जड़ समझ लेते हैं तब भी हम समझ नहीं। आत्म वस्तु के प्रति जब हम आत्म वस्तु को जड़ समझते हैं वो अपराध है, और अब जब जड़ को जड़ के प्रति कर रहे हैं तो नहीं, जड़ को उसने भोगने की आदत, जड़ हाँ जी जी जड़ जड़ पदार्थ को भोगने की आदत, उससे अकर्म व्यवहार करते हैं, है ना? जैसे कि किसी की मान लो किसी के घर गए, उसकी स्त्री बहुत अच्छी लग रही है, उसको हमें भोगने की इच्छा है ना, तो क्या कर रहे हैं हम, पाप है ना, ये पाप है, समझ गए आप? हाँ, उसके शरीर में इतनी आसक्ति हो गई है जड़ चीज से कि उस गलत गलत धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, पूछ रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया गुरु को साधारण समझ देना, गुरु के ने कोई आज्ञा दी और हमें ये सब थिंकिंग करना, ये धाम गए हैं धाम को धाम नहीं समझना, है ना? तो क्या गया, अरे ठीक है ना पैकेट है बाहर फेंक दो, कूड़ा बाहर फेंक दो, है ना? हम ये भूल गए कि धाम जो है बलराम जी होते हैं, है ना? समझ रहे हैं मतलब, जैसे बता दें कि धाम में जाके बिजनेस नहीं करना चाहिए, है ना? और हम धाम जाके बिजनेस करें दुकान खोल, है ना? तो ये सब क्या है, तो ये अपराध जो होता है ये क्या करता है, ये ज्यादा गंभीर होता है क्योंकि ये क्या करता है मदर जी, आपकी आत्मा को आवृत करते हैं जिसके कारण आप भक्ति नहीं समझ रहा है। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हमारा देह देह के ऊपर असर करता है, बहुत सिंपल चीज है लेकिन थोड़ा ये मनन जितना करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे बता। तो पाप का फल अनात्म छड़मूल देह को स्पर्श करता है, पाप का फल देह को स्पर्श करता है, और अपराध का फल जीवात्मा को स्पर्श करता है। अपराध जीवात्मा के साधन भजन के लिए भीषण बाधा उत्पन्न करता है अपराध, यहाँ तक कि विषय जाति अपराध की अपेक्षा आश्रय जाति या महासत्पुरुषों के प्रति अपराध जो है वो ज्यादा भयानक है। यानी अपराध दो तरह के होते हैं, एक होता है विषय जाति और दूसरा होता है आश्रय जाति। ओके, विषय जाति अपराध होता है भगवान के प्रति, लेकिन आश्रय जाति अपराध होता है महापुरुषों के प्रति। तो आप अगर एक बार भगवान के प्रति सेवा अपराध कीजिए तो भगवान फिर भी शक करते थे, लेकिन जब हम महापुरुषों के प्रति अपराध करते हैं, आश्रय जाति के प्रति अपराध करते हैं, तो वो निकाल पाना बहुत मुश्किल। तो एग्जाम्पल आपने देखा था दुर्वासा मुनि, इवन शिरोधक्षाई विष्णु तक गए, शिव जी तक गए,
लेकिन कोई रक्षा नहीं किया, उनको वापस भेजा किसके पास, अम्बरीश जिसके प्रति उन्होंने अपराध किया, है ना। तो ये समझना होगा। तो विषय जाति अपराध यानी भगवान के प्रति अपराध होने पर फिर भी इसके वेद है, हालांकि वो भी बहुत भयानक अपराध होते हैं, लेकिन आश्रय जाति अपराध जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। तो भक्त भक्ति भगवत कृपा कृपा के संबंध में जब अवज्ञा और श्रद्धा अनादर निंदा होती है तो ये बातें जो है भक्ति में बाधक डालती है। तो किंतु वह दूर होने पर भक्ति पुनः प्रकाशित हो जाएगी, किंतु भगवत अपराध होने पर पाप पाप तो फिर भी भगवत भक्ति कर सकता है थोड़े समय के बाद, लेकिन भगवत अपराध की अपेक्षा वैष्णव अपराध भीषण है। शास्त्र में ऐसा वर्णन किया कि अपराध का मूल कारण ढूंढने पर यह ज्ञात होता है कि प्रीति के विपरीत द्वेष भावात्मक बुरे कार्य ही सभी अपराधों की जड़ है, है ना। इसलिए जैसे कि अपराध राज राज शब्द का अर्थ होता है संतोष, ये संतोष अपगत हुआ अर्थात दूर हुआ जिस कारण वही अपराध। जब हमारे अंदर संतोष नहीं रहता प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा महत्पुरुषों के प्रति सम्मान दान करने में वो अवज्ञा के रूप में ही प्रदर्शित होता है, और स्वभाव से परम करुण महापुरुष स्नेही होते हैं, कृपालु ही होते हैं, आप जितना भी कर लीजिए। तो राध शब्द का संतोष अर्थ होता है संतोष। तो ये संतोष जो है वो जो है वो लोप हो जाता है जो हम अपराध करते हैं, जिससे किसी एग्जांपल से समझा दीजिए। जिससे भगवान नाम श्री गुरु और वैष्णव का संतोष अवगत होता है यानी दूर होता है उसे प्राप्त करते हैं। भक्ति भक्त और भगवत कृपा जिस प्रकार भगवत प्राप्ति के मुख्य उपाय है उसी संबंध में अवज्ञा, जैसे अगर अगर आप भक्ति भक्त और भगवत कृपा ये तीन चीज को अगर ठीक से करेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति प्राप्त होगी। उसी प्रकार से जब हम अवज्ञा करते हैं और श्रद्धा करते हैं, अनादर करते हैं और निंदा करते हैं तो हम भगवत भक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकते, ये बाधाएं। इसलिए इनके प्रति कोई अवज्ञा न हो इसलिए बड़ी सावधानी शरणा व्रत होकर उनके स्वरूप ज्ञान के साथ उनके प्रति समुचित गौरव सम्मान आदि रखकर आदर सहित भजन में प्रवृत्त होना ही अपराध दूर करने का एक उपाय है, तभी निरपराध भजन संभव। अंततः श्री ग्रंथ कह रहे हैं कि अपराधोत् अनर्थ कहने से यहाँ अपराध नाम अपराध ही ग्रहण करना चाहिए, सेवा अपराध नहीं। अपराध में सब अपराध आते हैं लेकिन यहाँ पे सेवा अपराध नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे नाम अपराध को विशेष रूप से बोल रहे हैं। उससे उत्पन्न जो अनर्थ होते हैं उससे द्वेष उत्पन्न होता है, तो जब द्वेष उत्पन्न होता है तो जीव जो है जो है आश्रय जो है जाति अपराध करता है, यानी महापुरुषों के प्रति निंदा करता है, भक्तों के प्रति निंदा करता है, है ना, अवज्ञा करता है, अनादर करता है, है ना। तो ये इसके कारण जो है भक्ति में बाधा है ना, श्रवण कीर्तन में मन नहीं लगता, भगवान का स्मरण नहीं होता, माला नहीं करना चाहते हम, एसोसिएशन नहीं करना चाहते हम, धाम नहीं जाना, सिर्फ भगवान से रिलेटेड जो चीजें उन्हें स्टॉप हो जाता है, है ना। ठीक है, तो अंतरह श्री ग्रंथकार यानी विश्वाचरित कह रहे हैं कि अपराध अनर्थ अपराधोत्थ अनर्थ करने से यहाँ नाम अपराध को ही मानना चाहिए। यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि कोई नाम के बल पर पाठ के बल पूरा पुनः पुनः सेवा अपराध करे तो सेवा अपराध भी नाम अपराध के रूप में पढ़ने को। पहले तो बोल रहे हैं कि सेवा अपराध इतना नहीं है भगवान क्षमा कर, लेकिन बार बार अगर हम सेवा अपराध कर रहे हैं देखने पर समझने पर भी हम सेवा अपराध कर रहे हैं तो नाम अपराध के रूप में पढ़ने को जाता है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, समझ गए मतलब। तो लग रहा है कि हम सेवा अपराध कर रहे हैं लेकिन हरी नाम लेंगे तो इसलिए हमेशा जो है किसी वरिष्ठ वैष्णव से कंसल्ट करते रहना चाहिए कि हमारे डिसिप्लिन पे क्या करें, कैसे करें और कितनी सेवा ले, क्या हमारे लिए अनुकूल होगा कि हम इतना कर पाएंगे, डिस्कस करना चाहिए क्योंकि टाइम पर परिस्थितियाँ सरकमस्टेंसेस बदलते रहते हैं ना जी, तो फिर हमें सही लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए, तो फिर हमें ऐसे करते रहते। इस तरह से ये
हमने डिस्कस किया दृष्ट दुष्ट कृतो सुकृतो अपराध, है ना। अब इसमें फिर उनका और डिटेल में वर्णन है, जैसे नाम के बल पर पाप करना, भागवत धर्म के अलंघन, सभी विघ्नों का नाश, है ना। फिर उसके बाद साधु निंदा, मतलब अलग अलग अपराधों का फिर वो पूरा अच्छे से डिटेल में वर्णन किया। तो अपराधों के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये हम उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं हाँ, तो इस तरह से जो अनर्थ होते हैं माता जी, हमने पढ़ा कि अनर्थ जो है विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने चार प्रकार के बताए हैं, लेकिन जो हरिनाम चिंतामणि है उसमें बताया गया है कि अनर्थ जो होते हैं निरुपयोगिता, निरर्थक, भौतिकता, आकर्षाएं और आसक्ति, ये चार प्रकार के होते हैं, है ना। तो बताया गया कि अनर्थ जो होते हैं जैसे हृदय के, जैसे हृदय दौर्बल्यम, है ना, अपराध, असत कृष्णा, शत्रुघ्न। भक्तिनाथ ठाकुर ने चार प्रकार के अनर्थ बताए, है ना। तो हृदय दौर्बल्यम में क्या क्या आता है, कृष्ण से असंबंध वस्तुओं के प्रति आसक्ति। देखिए इन्होंने भी ऐसे ही शुरू में बताया था, छल और दोष दर्शन की प्रवृत्ति, हृदय दौर्बल्य और ईर्ष्या करना और प्रतिष्ठा की इच्छा करना, तो ये हृदय दौर्बल्य मनस होता है, इससे भक्ति में बाधा आती है, है ना। फिर अपराध होते हैं, ये हमने पढ़ा, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध, ये जब भी करते हैं तब भी हमारे भजन में हम प्रगति नहीं करते हैं, है ना। फिर असत तृष्णा होती है, क्या क्या, चार प्रकार के असत तृष्णा, सुखदायक इंद्रिय विषयों की इच्छा करना इस जगत में, है ना। फिर स्वर्गलोक प्राप्ति की इच्छा रखना, योग सिद्धियां प्राप्त करना या ब्रह्म में जाके मिल जाना, तो ये इच्छाएं होने पर असत तृष्णा होती है, ये भी भगवत भक्ति में बाधा होती है। अभी हमने भी विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने भी ये बात बताई ना कि सुकृति उत्पन्न, है ना, सुकृति के कारण जीव स्वर्ग जाना चाहता है, ये करना चाहता है ना। तो यहाँ पे फिर भक्तिनाथ ठाकुर समझा रहे तत्व विभ्रम, तत्व विभ्रम होने से भी जीव में अनर्थ डेवलप होते हैं। स्व तत्व विभ्रम मतलब अपना मैं कौन हूँ, है ना, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ, ये सब नहीं पता सही से। पर तत्व विभ्रम, भगवान कौन है, उनकी क्या पोजीशन है, उनका क्या तत्वतः ज्ञान है। फिर साध्य साधन भ्रम, तो हमें पता चल गया कि स्व तत्व पर तत्व क्या है, तो साधन क्या है, साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मीन्स क्या है, सोर्सेस क्या है, इसके बारे में भ्रम, है ना, सही से डिटेल में नॉलेज नहीं। और फिर विरोधी विषयक भ्रम होते हैं, यानी कृष्ण के जो प्रतिकूल विषय है वो ठीक से समझ में नहीं आता, है ना, तो वो विरोधी विषय के प्रति में भ्रम। तो ये जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने सॉरी भक्तिनाथ ठाकुर ने जो चार प्रकार के बताए हैं, तो यही अनर्थ जो है उनके अनुसार छह प्रकार के शत्रुओं को जन्म देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और फिर यही आगे आगे जाकर शोक बनते हैं, मोह होता है और शुद्ध हो जाते हैं हम, है ना, और फिर हमारी प्यास बढ़ जाती है भौतिक जगत में, है ना। तो जरा, मृत्यु, ये सब जो है अनर्थ के रूप में डलता है। तो भक्ति लता तब तक विस्तृत नहीं थी जब तक इन अनर्थों को त्यागा नहीं जाए, और ये सब अनर्थों को दूर भगाने का उपाय है हरि नाम संकीर्तन, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने ये वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने जो शॉर्ट में वर्णन किया था कि वो बताया था कि कैसे जब हम भक्ति करते हैं और तीव्र भक्ति करते हैं, अब निरअपराध भाव से जो है वो भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, अपराध अपराध जो होता है उन वैष्णों से क्षमा मांगते हैं, है ना, फिर बार बार भगवान से क्षमा मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना, कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें सुबह के प्रेयर्स में वैष्णव समय पर नहीं, अब जो हम लोग सुबह अपराध, जो लास्ट अनंत कोटि वैष्णव जन अनंत कोटि भक्ति, नहीं, जो हम लोग एक लाइन बोलते हैं ना,
चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं कि दस अपराध ये ना हृदय न बसे, हृदय न बसे कृपा कर महाप्रभु माजी ना मरसे, है ना, ये ना जो बोलते हैं। तो ये अपराध जो है हे महाप्रभु मेरे हृदय में न बसे, कृपा मैं इन्हें ठीक से समझू, आचरण में लाऊं, ताकि मैं वैष्णव अपराध ना करूं, पाप ना करूं, क्योंकि आपको पसंद नहीं है और आपसे दूर ले जाने वाले हैं। तो मैं इन सबसे बाहर निकल के मैं वो कार्य करूं जो आपको पसंद है, आपकी ओर ले जाने वाले हैं, मुझे प्रगति प्रदान के लिए भगवान मेरे पर कृपा कीजिए। तो ऐसी प्रार्थना से, ऐसे व्यवहार करने से धीरे धीरे हम इन सब चीजों से निकल जाएंगे। तो इसे बताएगा कि कैसे हम इन अर्थों को श्रद्धा से आरंभ करके प्रेम प्राप्ति करते तो कैसे नष्ट होती है। तो उसको बताया था कि ये चार अनर्थ इस स्तर पर संस्कार विनष्ट हो जाते, ऐसा नहीं है, उनको दूर करने में पांच प्रकार के क्रम होते हैं। जैसे एक देशवर्तनी, बहु देशवर्तनी, प्राय की, पुण्या, आस्या की। तो एक देशवर्तनी में अल्प परिणाम में अनर्थों को जो निवृत्त होती है, ऐसा एक रूप में दो चार आना भर में कमी होती है, ठीक है ना, एक देशवर्तनी से थोड़ा सा कम होगा। बहु देशवर्ती में मतलब अंश मतलब रुपया में 12 आना कम हो जाएंगे, और प्राय की मतलब प्राय सब निवृत्त हुए लेकिन अवशिष्ट है ना, जैसे रुपये में 2 पैसा इतना अनर्थ निकल गया। और पुण्या में जब संपूर्ण रूप से रुपये में या 100% अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो कुछ अंश हल्का सा गंध बाकी रहता है पुण्या में, जनरली निकल गया होता है, लेकिन आत्यंतिक में पूर्ण निवृत्ति यानी अनर्थ बिल्कुल खत्म हो गए हैं और फिर वो किसी भी कारण उदित नहीं होता, है ना। अतः जिस अवस्था में अनर्थ किसी फिर कभी उत्पन्न नहीं रहती उसे आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। भगवत प्राप्ति में ये आत्यंतिक निवृत्ति के स्तर पर पहुंचना, ये वापस ना, तो ये तो लास्ट अवस्था होती है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि इस तरह यहाँ पे होता है कि इस तरह से हम अपराधों को भगवत भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही हम निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप बुक में अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, और उसका चार्ट भी दिया गया है कि कैसे भजन क्रिया लेवल पर रिष्टा ऋषि आसक्ति भाव प्रेम लेवल पर कैसे कैसे ये मतलब चेंज होते रहते हैं। इतना डिटेल में तो प्रभु जी ने समझाया है, जी उन्होंने समझाया था, तो आप देख सकते हैं और इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अपराध, इन सारे अपराधों को निकलने का एक ही मार्ग पाने के अपराय बचते हुए साधु संग, अच्छी साधु संग करते हुए हम जो है इन जो अनर्थ है इनसे हम निकल, ठीक है मतलब। तो इस तरह से तृतीय दृष्टि में विष्णा के प्रति स्थापित है अनर्थ के बारे में बताया। अनर्थ चार प्रकार के बताया उन्होंने कि दुष्कृति, सुकृति, अपराध और भक्ति उत्पन्न। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बताया है कि हृदय दौर्बल्यम, चार प्रकार के अपराध, असत तृष्णा और तत्वदुर्गम। और पाप और अपराध में डिटेल में अंतर बताया है, और इस तरह से उन्होंने बताया इस तरह से हमें ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा देखिए, पूरा साइंस देखिए आप, हमारी वो नष्ट शावर खत्म हुआ। चतुर्थ शावर जो है वो नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, ठीक है माता। कोई प्रश्न है या माता जी, मेरे को एक डाउट है कि जब हमने सेकेंड वाली वृष्टि करी थी उसमें था कि जो ये हमारी अविद्या है, यू नो, और जो अपवित्रता है या काम क्रोध भी है, वो भक्ति करने से चला जाता है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अनर्थ में वो है, तो ये दोनों चीज़ें मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इन दोनों को आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बता पा रही हूँ। वहाँ था कि आपके पांच प्रकार के कलेश जो हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, आप भक्ति करते तो चले जाते,
है ना, ये हमने पढ़ा था वहाँ पे, चले जाते हैं भाई आप भक्ति करते रहो बस, लेकिन यहाँ पे हम उन्हीं को अनर्थों के रूप में देख रहे हैं, तो वो चले तो नहीं गए ना, मतलब ये दोनों चीजें आप मुझे। इसी को बताया जरा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भक्ति प्रोसेस से जड़ से चले जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, एक वर्तनी बहुवर्तनी प्रायिकी पूर्णा आत्यंतिक ये अवस्थाओं से जाएंगे। पहले जो इंटेंसिटी रहेगी वो कम होता है ना, एक आना कम होगा। ओके, जैसे कि जैसे पहले काम की जितनी वासना थी, क्या वही वासना आज भी है आपके अंदर? नहीं, बहुत कमी आई है उसमें, है ना। पहले जो थॉट लेवल होने पर हम बिल्कुल भक्ति नहीं कर पाते थे, अभी थॉट लेवल रहते हैं लेकिन हम एटलीस्ट भक्ति कर पाते हैं, चाहे मन लगे ना लगे बैठते हैं, आई हैव टू डू क्यों, लेकिन हमने कई सेशन में सुना किया, सत्य अनुकंपा श्लोक पढ़ना शुरू किया, एंड ये समझने की कोशिश की कि टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कभी कभी क्या होता है, जब जैसे जैसे आपको ये भी समझना चाहिए मदद जी की, कभी कभी क्या होता है परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई चीज पॉजिटिव नहीं होती आपके पास, मिलती नहीं, घर परिवार समाज ऐसा पॉजिटिव नहीं एटमोसफेयर मिलता। तो समझना चाहिए कि मतलब ये हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध है, तो इसको पॉजिटिव कैसे लेंगे। तो तस्य अनुकंपा जो सुषुम्नेक्षमाणो में था, उसमें क्या बोल रहा है भक्त, आत्मकृतं विपकाम, मेरे अनर्थों के कारण ये है, लेकिन तत्ते अनुकंपा, लेकिन फिर भी आपकी कृपा है ना। जैसे तुकाराम महाराज का देखिए, आप जितने भक्तों को देखिए कितना कितना माता जी उनको दिक्कत है, लेकिन फिर भी प्रणाम करके कहते हैं फिर भी भगवान आपकी अनुकंपा है। तो हम लोग के अंदर तुरंत कंप्लेन आता है भगवान के प्रति, भगवान हमें ऐसे कर रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा है ना। लेकिन आप भक्तों का अगर माइंड सेट देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। नारद मुनि की जब एकमात्र आश्रम की माँ का देहांत हो गया, तो उन्होंने उसी कुटिया में उनके उनका देह संस्कार कर दिया, एंड ही इज वेरी हैप्पी कि एक ही मेरी हाँ वो चली। हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते है ना, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लेवल पर नहीं आए। यहाँ पे ये बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि हर जीव ये लेवल पर आ सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है, ये गलत थिंकिंग है लोगों की। भगवान की भक्ति पर करने का मतलब है जड़ में पानी डालना। जड़ में पानी डालने से जो नरिशमेंट हमें नहीं मिल रही थी, जो असंतुष्टता हमें फीलिंग हो रही है, ये सब भर जाएगी। जनरली हमें क्या एहसास है मेटीरियल वर्ल्ड में कि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी से रिलेशन रखते हैं, तो बाकी सबसे कट जाते हैं। लेकिन और यही इम्प्लीमेंटेशन हम भगवान की भक्ति में भी करते हैं, तत्व विभ्रम, भगवान से प्रेम करेंगे तो सबसे कट जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों को भले लगता है कि अरे ये पार्टीज में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, कट जा रहा है, दुनिया से कट जा रहा है, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति भी मलिनता खत्म होती जाती है। उसको बस ये पता होता है कि हमें ये रास्ते पर चलना है। उसका किसी के प्रति पहले शुरू शुरू में उसका जैसे कि जो नई भक्ति करते हैं उनके लिए थोड़ा सा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा नहीं कि वो किसी से क्लेश रखता है, किसी से क्लेश नहीं रखता, वो हर जीव से संबंधित हो जाता है भक्ति, है ना, समझ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करने से हम सबसे संबंधित होता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के प्रति भक्ति करते हैं तो हम बाकी सब छूट जाते हैं, हम वही दोषारोपण करते हैं। तो आपका प्रश्न था कि मतलब ये समाप्त नहीं होते, होते हैं, एक एक देशवर्तनी होता है, फिर जब हम भक्ति और करते हैं और परिपक्व होते हैं, ज्ञान लेते हैं, अच्छा संग करते हैं, तो बहु देशवर्तनी होता है। तो हम लोग के साथ जैसे जहां तक मैं समझती हूँ, तो हम लोग के साथ किसी किसी में एक देश वर्तनी होता है, किसी किसी क्षेत्र में हमारा बहु देश वर्तनी हो जाता है, किसी किसी में प्रायिकी स्टेज पर हम होते हैं, है ना, होता है। लेकिन जैसे जो और अच्छे भक्त होते हैं उनका किसी किसी चीज में पूर्णा हो चुका है, आध्यात्मिक पर भी पहुंच चुके हैं, जो अच्छी भक्ति करते हैं प्रेमावस्था भावावस्था में है, उनकी भक्ति में मतलब गंध भी नहीं है अनर्थों की, उनके अंदर इच्छा भी नहीं है, इतनी कम दृष्टि, इतना भगवान के प्रति प्रेम होता है कि रिग्रेशन में या पीछे कुछ होल्ड नहीं रखते, है ना। जैसे आज राम गोविंद महाराज जी की व्यास पूजा थी, कितना अच्छे से सेलिब्रेट किया गया,
महाराज ने देखिए पर वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया शुलापुर में इतना बड़ा, और महाराज कथा करने के बाद उनका पूरा व्यक्तित्व गुरु महाराज एकदम भावुक हो गए थे, गुरु महाराज उनको अप्रिशिएट कर। तो गुरु ने जब अपने गुरु उसी तो जब गुरु ने अपने सन्यासी शिष्य के लिए ऐसा ऑर्गेनाइज किया होगा, उनको जो फील हो रहा होगा कितना अच्छा, जब हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था कि गुरु महाराज कितना टेक केयर करते हैं। पूरा भोग बना था, माता जी 56 भोग बना था, केक बना था महाराज के लिए, फोटो रखे राम गुरु महाराज सरप्राइज टू सी ऑल दिस अरेंजमेंट। ये गुरु ही सोच सकते, ये गुरु महाराज ही सोच सकते और कोई नहीं। जबकि राम गोविंद महाराज का लेक्चर कल था लेकिन आज उनके रास्ते थे तो आज तक के उनको इस तरह से सेलिब्रेट भी किया महाराज। तो मेरा कहने का मतलब ये कि रिलेशन, मैंने आपको बताया ना कि रिलेशन कैसे निभाना चाहिए भक्तों के बीच में, कि मैं गुरु महाराज से सीखती बहुत अच्छा जानते हैं कि कैसे किसी को प्लीज किया जाता है, सबको एक सूत्र में कैसे बांध के रखा जाता है। तो गुरु महाराज के अंदर ये बहुत सुंदर क्वालिटी है, क्षमा बहुत है, टॉलरेंस बहुत है, इसीलिए वो कर पाते। तो जो मैंने ये आपको बताया तो समझ में आया कि जो हमारे क्लेश है वो होते हैं लेकिन कहीं कहीं एक देश वर्तनी हुई है, बहु देश वर्तनी है और ये रिपीट भी होते हैं माता जी। हाँ, मैं यही पॉइंट नहीं समझ पा रही थी, मुझे लगा कि बस भक्ति से शुरू कर, नहीं स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं होता कि मतलब ये चीजें मतलब खत्म, क्योंकि एक एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक आदत बनी हुई कई जन्मों की, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तो भक्ति अच्छी खासी हमें करनी पड़ेगी, तीव्र भक्ति एक ताप में लंबे समय तक, तब जाके इसकी इसका असर कुछ होगा हमारे ऊपर। और फिर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से आगे भी निकल सकते हैं लेकिन सब चीज डिपेंड करता है कि हम तीव्र भक्ति कर रहे हैं। तीव्र भक्ति वैराग्य लेवल पर अच्छी होती है, सॉफ्ट लेवल पर भक्ति नहीं होती है। यू नो कड़ा 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 मास्टर होना चाहिए, कड़ा कड़ा साधना कराने वाला होना चाहिए, है ना, ये समझ रहे समझ। भक्ति इतना आसान नहीं होती है, भक्ति सॉफ्ट 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 जगह पे नहीं खुलती, भक्ति हार्ड स्पेस पर अच्छी खुलती है, इसीलिए कंफर्ट जोन में नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया कि जो परकीय भाव है जी, परकीय भाव में जब गोपियां होती हैं तो सभी चीज कृष्णमय है, है ना, फूल पत्ती हवा भावरे भी कृष्ण की तरह दिखते हैं ना। तो उसमें उसमें अलग ही जो विरह में सपोर्ट में ज्यादा अच्छा है, मतलब जैसे टीचर जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा स्थिति इस तरह के लिए। तो एक साथ नहीं होता ऐसे ऐसे, तो एक देश वर्तनी बहु देश वर्तनी काय की पुण्या फिर आता अभी इन अवस्थाओं में विष्णा चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है। आप इसका डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल में दिया है कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर ने। हाँ मैंने देखा, काफी लंबा दिया है, डिटेल में दिया है तो पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ एक जस्ट एक लाइन शो करने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग ये बुक कभी पढ़ सके और इसको अपने साधना में बहुत हेल्प करेगा यूज करने में, कि हम कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं। तो कभी कभी होता है कि हमारी श्रद्धा लेवल पर प्रॉब्लम होती है, तो हमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ श्रद्धा हमारी स्वभाव की है और कहाँ कहाँ शासन शास्त्र है, शास्त्र शासन है सर, शास्त्र शासन हमारी श्रद्धा है, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे स्वभाव की होता है ऐसा प्रे 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 करना चाहिए भगवान से, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान प्रोवाइड करेंगे हमें। तो हमारी सब जगह सभी एरिया में जब स्वभाव की भक्ति होने लगेगी तो फिर क्या होगा, बहु देश वर्तनी में सफाई होगी। तो सब चीज डिपेंड करता है, जैसे मूल कारण यह है, श्री प्रभुपाद पर वापस आते हैं, भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में श्री प्रभुपाद ने लिखा हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो अविद्या है, इसलिए हमें ज्ञान लेना है फर्स्ट ऑफ सिस्टमेटिक ज्ञान सही आश्रम में लेना। इसीलिए शिल्पोपाद बार बार आप देखिए, अगर देखिए तो उसका एग्जाम्पल देते रहते कि हमें परम अपने परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखिएगा
श्री प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे उन्होंने बंगाली सीखी और बंगाली से ट्रांसलेशन किया, न कि किसी चीफ गुरु का एसोसिएशन किया। संस्कृत सीखा, संस्कृत से उन्होंने ट्रांसलेशन किया। आप देखें प्रभुपाद की इस बात को उन्होंने कितना कितना ज्यादा करके रखा। और वो उन्होंने और जिन लोगों ने बैरियर तोड़ा वो वापस नहीं आता है ना, वो लोग छूट गए, वो लोग छूट। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है। बहुत ज्यादा घूमना फिरना हमने कर लिया तभी कृष्ण भक्ति में, सारे जब हमने तीर्थ यात्राओं में और दान पुण्य करने में एक्सपर्टीज हासिल की है तभी कृष्ण भक्ति में। अभी हमें बैठ के ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेके इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर सेवा होनी चाहिए। जो अविद्या है इसको दूर करना, ठीक से नॉलेज। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली लोग यहाँ गड़बड़ी करते हैं, कभी कहीं से कुछ पढ़ते हैं, कभी कहीं से कुछ पढ़ते हैं, कभी किसी से सुन लेते हैं, कभी किसी से सुन लेते हैं, तो ये बिल्डर करते हैं। पहले भगवद गीता पढ़नी चाहिए, फिर श्रीमद भागवतम पढ़नी चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए, फिर चैतन्य भागवत पढ़नी चाहिए, श्री प्रभुपाद की सारी बुक कंप्लीट होनी चाहिए हमारे पास, फिर श्री प्रभुपाद के जो भक्त हैं आज के उनको भी देखना चाहिए अपने गुरु महाराज की बुक के साथ, जो हमें सजाती है लगे भक्ति करने में उनके। तो जो हम देखते हैं कि जब वो हम अपने लेवल के लोगों का संग करते हैं, उनसे भी सुनते हैं, तो बहुत कुछ नॉलेज आता है कि कैसे ये इसका मतलब ये है, ये एक्सपेंशन लेवल हमारे बढ़ते हैं। तो एक बार सच्चिदानंद प्रभु जी को हमारी बात को लेकर तो उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि एक ही क्वालिटी सभी में मिले। तो क्या करना चाहिए, जैसे जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसको उनको अप्रोच करना चाहिए, उनसे वो चीज सीखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया गुरु महाराज में टॉलरेंस का सब कुछ साथ में लेके रखने का, एक परिवार के रूप में रखने का, गुरु प्रभुपाद की सेवा के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन। जैसे अगर आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो आपको गोपाल कृष्ण महाराज का देखना चाहिए, है ना, राधानाथ महाराज जी का देखना चाहिए कि बुक रीडिंग वगैरह जो है उनकी बहुत अथेंटिक सिस्टमैटिक पूरा उनकी स्टडी वगैरह पूरे रखते हैं। तो इस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, उन्होंने कहा हमें देखना चाहिए और अच्छा संग देखना चाहिए और उनसे अप्रोच करने के हर संभव प्रयास ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो 4-5-6 हमारे लीडर हों, हमारे आइकॉन्स हों हर एरिया के जो हमें अच्छे लगे, फिर एक तो उसे हायर एसोसिएशन, फिर एक मीडियम में होना चाहिए और फिर एक अपने नियर अबाउट में होना चाहिए, हमारे नीचे भी होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए। तो हर तरफ एसोसिएशन होना चाहिए, ऐसा नहीं खाली ऊपर ही ऊपर हो नीचे ना, सब तरफ एसोसिएशन होना चाहिए। और ये भगवान की कृपा पर भी निर्भर करता है और उससे ज्यादा हमारे प्रयास पर भी निर्भर करता है। और आजकल नेट का जमाना है तो सत्यनारायण गुरु जी कह रहे थे कि हमें प्रयास करना।